हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे मकर संक्रांति से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है पतंग। पतंग को इंग्लिश में बोलते हैं काइट। काइट। अब इसका एग्जांपल है, आज मैं पतंग उड़ाऊंगा। टुडे आई विल फ्लाई अ काइट। टुडे आई विल फ्लाई अ काइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पतंग की पूंछ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइट टेल। काइट टेल। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे लंबी पूंछ वाली पतंग पसंद है। आई लव लॉन्ग टेल काइट। आई लव लॉन्ग टेल काइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पतंग की नाक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइट नोज। काइट नोज। अब इसका एग्जाम्पल है, मेरी पतंग की नाक टूट गई है। द नोज ऑफ माई काइट इज ब्रोकन। द नोज ऑफ माई काइट इज ब्रोकन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पतंग की कन्नी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइट ब्राइडल। काइट ब्राइडल। अब इसका एग्जाम्पल है, पतंग को कन्नी लगा दो। पुट ऑन द काइट ब्राइडल। पुट ऑन द काइट ब्राइडल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पतंग उड़ाने वाला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइट रनर। काइट रनर। अब इसका एग्जाम्पल है, राहुल एक अच्छा पतंग उड़ाने वाला है। राहुल इज अ गुड काइट रनर। राहुल इज अ गुड काइट रनर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई द काइट। फ्लाई द काइट। अब इसका एग्जाम्पल है, वह पतंग उड़ा रहा है। ही इज फ्लाइंग द काइट। ही इज फ्लाइंग द काइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ढील देना। ढील देने को इंग्लिश में बोलते हैं रीलोड। रीलोड। अब इसका एग्जाम्पल है, मांझे को ढील दो। रील द स्ट्रिंग आउट। रील द स्ट्रिंग आउट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कटी पतंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीवर्ड काइट। सीवर्ड काइट। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे कटी पतंग लूटने की आदत है। आई एम इन अ हैबिट ऑफ कैचिंग सीवर्ड काइट। आई एम इन अ हैबिट ऑफ कैचिंग सीवर्ड काइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मांझा खींचना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रील इन। रील इन। अब इसका एग्जाम्पल है, वह पतंग का मांझा खींच रही है। शी इज रेलिंग द स्ट्रिंग इन। शी इज रेलिंग द स्ट्रिंग इन। पतंग नीचे उतारना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड द काइट। लैंड द काइट। अब इसका एग्जाम्पल है, उसने पतंग को नीचे उतारा। ही लैंडेड द काइट। ही लैंडेड द काइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पतंगबाजी। पतंगबाजी को इंग्लिश में बोलते हैं काइट फाइटिंग। काइट फाइटिंग। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे पतंगबाजी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक काइट फाइटिंग। आई डोंट लाइक काइट फाइटिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोर को काटना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कट द स्ट्रिंग। कट द स्ट्रिंग। अब इसका एग्जाम्पल है, उसने मेरी पतंग की डोर काट दी। ही कट द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट। ही कट द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पतंग की चक्री। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइट स्पूल। काइट स्पूल। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे मेरी पतंग की चक्री दो। गिव मी माई काइट स्पूल। गिव मी माई काइट स्पूल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पतंग की डोर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइट ट्वाइन। काइट ट्वाइन। अब इसका एग्जाम्पल है, चाइनीज पतंग की डोर खतरनाक होती है। चाइनीज काइट ट्वाइन आर डेंजरस। चाइनीज काइट ट्वाइन आर डेंजरस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है तिल के बीज। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेसमी सीड। सेसमी सीड। अब इसका एग्जाम्पल है, मैं तिल भून रहा हूं।
आई एम रोस्टिंग सेसमे सीड, आई एम रोस्टिंग सेसमे सीड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गुड़। गुड़ को इंग्लिश में बोलते हैं जैगरी, जैगरी। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे गुड़ खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट जैगरी, आई लाइक टू ईट जैगरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है तिल के लड्डू, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेसमे सीड स्वीट बॉल, सेसमे सीड स्वीट बॉल। अब इसका एग्जाम्पल है, चलो तिल के लड्डू बनाते हैं, लेट्स मेक सेसमे स्वीट बॉल्स, लेट्स मेक सेसमे सीड स्वीट बॉल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गच्चक, गच्चक को इंग्लिश में बोलते हैं सेसमे सीड बार। अब इसका एग्जाम्पल है गच्चक बहुत स्वादिष्ट है, सेसमे सीड बार वेरी टेस्टी, सेसमे सीड बार वेरी टेस्टी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चिबड़ा, चिबड़े को इंग्लिश में बोलते हैं बीटन राइस, बीटन राइस। अब इसका एग्जाम्पल है उसे चिड़बा दे दो, गिव हिम बीटन राइस, गिव हिम बीटन राइस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है खिचड़ी, खिचड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं सीरियल या फिर आप लोग बोल सकते हैं खिचड़ी। अब इसका एग्जाम्पल है उसने अपनी खिचड़ी पर नमक छिड़का, ही स्प्रिंकल सॉल्ट ओवर हिज सीरियल, ही स्प्रिंकल्ड सॉल्ट ओवर हिज सीरियल। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।